हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वोंगा वीट एंड इट्स इम्पैक्ट। मिस्टर विली वोंगा, द ओनर ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री, हैज डिसाइडेड टू इन्वेंट वोंगा वीट। मिस्टर विली वोंगा जो कि चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर है, मालिक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वोंगा वीट का इन्वेंशन करेंगे, खोज करेंगे। दिस विल मेक पीपल यंगर, और इससे जो लोग होंगे वो यंग हो जाएंगे, उनकी जो एज है वो कम हो जाएगी। बट इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आफ्टर टेकिंग दिस देर इज़ अ रैपिड डिक्रीज इन एज। इसको लेने के बाद बहुत ही जल्दी से जो एज है, उम्र है, बहुत जल्दी घट जाती है। सम पीपल हैव डिसअपियर्ड, और बहुत सारे लोग तो गायब भी हो चुके हैं, बिकॉज देयर एज हैज़ रीच्ड इन माइनस, क्योंकि उनकी जो एज है वो माइनस में पहुँच चुकी है ना। ये बहुत ज़्यादा फनी स्टोरी। वन पर्सन एज हैज़ बिकम -87, और एक इंसान की तो एज -87 हो चुकी है। सो ही नीड्स टू वेट फॉर 87 years to be visible to others, और उसको 87 years चाहिए। जब वो 87 years का होगा तब वो दूसरों लोगों को नजर आएगा, visible होगा। Mr. Wonga must invent a new thing to reverse these changes, और Mr. Wonga को बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक चीज़ की खोज करें, invent करें, आविष्कार करें, ताकि इस चीज़ को उल्टा किया जा सके, reverse किया जा सके। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, सभी लोगों की जो एज है वो माइनस में जा रही है। इंग्रेडिएंट्स फॉर वीटा वोंग, वीटा वोंग के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या सामग्री है, हम उसको डिस्कस करते हैं। इनसाइड द चॉकलेट फैक्ट्री, मिस्टर वोंगा इज सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी, और चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर मिस्टर वोंगा एक नई रेसिपी के लिए सर्च कर रहे हैं, विच विल मेक पीपल ओल्डर, और जिससे कि जो लोग की जो एज है वो बढ़ जाए। ही आज चार्ली अबाउट द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, फिर उन्होंने चार्ली से पूछा कि सबसे पुरानी चीज क्या है दुनिया में। चार्लीज रिप्लाई वॉज अ ट्री, और चार्ली ने बोला कि जो पेड़ है वो सबसे ज्यादा पुराना है दुनिया में। मिस्टर वोंगा एडेड दैट इट इज द ब्रिसल कोन पाइन ट्रीज ग्रोइंग इन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए इज द ट्री दैट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। फिर मिस्टर वोंगा ने ये भी बताया कि ब्रिसल कोन एक पाइन ट्री है, चीड़ का पेड़ है, जो कि नेवाडा यूएसए में है, और ये वो पेड़ है जो कि बहुत ही ज्यादा सालों से अभी तक है, ये जिंदा है ये पेड़ अभी तक। मिस्टर वोंगा देन वेंट इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और फिर उसके बाद ये सुनने के बाद मिस्टर वोंगा अपने ग्लास एलिवेटर में एक वो छोटा सा कैबिन जैसा है जिसके अंदर मिस्टर वोंगा किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाते हैं, टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम सम ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। और फिर वो अपने ग्लास एलिवेटर से पूरी दुनिया की सैर पे निकल गए हैं, और वो चीज़ वो कलेक्ट करने वाले हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी है और ज़िंदा है। ही कलेक्टेड अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 ईयर्स ब्रिसल कोन पाइन ट्री, जो ब्रिसल कोन पाइन ट्री है जो कि यूएस में नेवाडा में है, तो उन्होंने जो 4,000 साल पुराना पेड़ है, तो वहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक पिंट लिया, एक पत्ती ली। टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 160 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर, और एक रशियन किसान जिसकी एज 168 साल का है, उसके पैर का अंगूठे का नाखून लिया। एन एग लेड बाय 200 ईयर्स ओल्ड टॉर्टोइस, और एक कछुआ जो कि 200 साल का है उसके द्वारा दिया गया अंडा लिया। द टेल ऑफ 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स, और 51 साल का जो घोड़ा है उसकी पूंछ ली। एंड सोन, और वैसे ही वो इकट्ठी चीज़ों को करते गए, वो उन चीज़ों को इकट्ठी कर रहे हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी है। इन हिज इन्वेंटिंग रूम आफ्टर वर्किंग विद ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर आर्ट्स, और जो उनका इन्वेंटिंग रूम है जहाँ पे वो आविष्कार करते हैं इन चीज़ों का, इन सब चीज़ों की हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत घंटे तक मशक्कत की काम किया। ही प्रिपेयर्ड अ कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, और एक बहुत ही काला तेल जैसा लिक्विड बन के आया। ही गेव 4 drops ऑफ इट टू अ 20 ईयर्स ओल्ड ऊंपा लूम्पा वॉलेंटियर, फिर उन्होंने जो ऑयली जो लिक्विड था उसकी 4 बूंदें एक 20 साल के उम्पा लुम्पा वॉलेंटियर का मतलब होता है कि कोई भी अपनी मर्जी से उस काम को कर रहा है, तो उम्पा लुम्पा को उन्होंने 4 drops दिए उस ऑयली लिक्विड का जिसकी एज 20 साल थी। चार्ली आस्क्ड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, फिर चार्ली ने पूछा उसके बाद क्या हुआ। मिस्टर वोंगा इन्फॉर्म्ड हिम दैट द क्रीचर आफ्टर अ बिट ऑफ शिवरिंग एंड रिंकलिंग बिकेम अ 75 ईयर्स ओल्ड। मिस्टर वोंगा ने ये इन्फॉर्म किया चार्ली को कि थोड़े से कांपने के बाद, थोड़े से रिंकलिंग करने के बाद झुर्रियाँ पड़ने लगी, और वो जो इंसान जो 20 साल का था वो 75 साल का हो गया। एंड ही कन्फर्म द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग टू चार्ली, और फिर उन्होंने बोला कि ये वीटा वोंग हमारा बन चुका है। सो डोंट यू थिंक दिस इज रियली फनी स्टोरी, आई मीन हाउ अ पर्सन इन्वेंटेड वेरी वियर थिंग। शुरुआत में उन्होंने जो वोंग वीटा बनाया था जिससे कि लोगों की जो एज माइनस में जा रही थी, अब इन्होंने वीटा वोंग बना दिया है जो कि 20 ईयर्स का जो इंसान है वो 75 ईयर्स में कन्वर्ट हो गया है।
and this is the you can say this is a magical story. I hope you enjoyed and learned something in this session. Thank you so much for attending the session. See you in the next lesson, everyone. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.